तेलंगाना का ओपिनियन पोल आपके सामने रखते हैं। तेलंगाना की 17 सीटों के लिए बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है और दक्षिण का ये वो राज्य है जहां 19 में भी बीजेपी के 4 सांसद जीते थे। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अलायंस किया है लेकिन तेलंगाना में अलायंस नहीं किया है और फिलहाल जो नंबर्स दिख रहे हैं वो ये कि बीजेपी 5 सीटें तेलंगाना में जीत सकती है, कांग्रेस 9 सीटें तेलंगाना में जीत सकती है, बीआरएस 2 सीटें और एआईएमआईएम 1 सीट यहां पर जीत सकती है। यानी आप ये कहें कि तेलंगाना में 1 सीट का जो फायदा है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, 1 सीट बीजेपी यहां पर बढ़ा रही है। 17 में से 4 सीटें पिछली बार जीती थी और इस बार 5 सीटें बीजेपी जीत रही है और जीत सकती है और कांग्रेस 9 सीटें जीत सकती है, बीआरएस 2 सीटें जीत सकती है, एआईएमआईएम 1 सीटें जीत सकती है। देखिए बीते कई चुनावों से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट शेयर को बढ़ाया है, अपने वोट शेयर में इंक्रीज भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसका रिफ्लेक्शन उसकी सीटों में फिलहाल लोकसभा चुनावों में नजर आएगा। तेलंगाना में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस 9 सीटें, बीआरएस 2 और एआईएमआईएम 1 सीट जीत सकती है। यहां पर स्कोप बीजेपी को ज्यादा नजर आ रहा था, बीजेपी यहां पर मेहनत भी कर रही है लेकिन फिलहाल 1 सीट का जो फायदा है वो हमें नजर आ रहा है तेलंगाना की। अगर आप बात करेंगे तो 1 सीट बीजेपी तेलंगाना में बढ़ा सकती है। सुधीर जी, एक ऐसा राज्य है तेलंगाना जहां बीजेपी पहले से आशान्वित रहती है, विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अच्छा खासा गेन करने की कोशिश यहां पर कर रही है लेकिन 1 सीट का फायदा बीजेपी को तेलंगाना में होता हुआ तो कम से कम नजर आ रहा है। प्राची, जो मुख्य डिफरेंस है कर्नाटक और तेलंगाना में, कर्नाटक में उनकी जो कार्डर स्ट्रेंथ है काफी शक्तिशाली है, काफी मजबूत है ऑन द ग्राउंड। तेलंगाना में वैसा नहीं है। इनफैक्ट जितने भी इस बार जो उम्मीदवार भाजपा ने खड़े किए हैं उसमें से कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बीआरएस से इंपोर्ट किए गए हैं। जहीराबाद में जो उम्मीदवार हैं बीबी पाटिल या नागर कर्नूल में जो पी रामलु सांसद थे उनके बेटे भरत को टिकट दी गई है, तो ऐसे कई सारे जो उम्मीदवार हैं, इटला राजेंद्र जो कि 2 साल पहले वहां सर बीआरएस से भाजपा में आए थे, तो काफी सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कि इंपोर्ट किया गया है बीआरएस से, वहां से वे शामिल हुए हैं। तो जो लोकल जो स्ट्रेंथ है भाजपा की वो कर्नाटक के मुकाबले तेलंगाना में कमजोर है, सो इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें थोड़ा समय लगेगा। पिछली बारी 4 सीटें जो भाजपा ने जीती थी उससे वे खुद भी काफी सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उससे पहले जो 2018 की विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने सिर्फ 1 विधानसभा क्षेत्र में ही जीत पाई थी, तो उससे 4 सीटों को जीतना उनके लिए काफी बड़ी बात थी और ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के फैक्टर पर हुआ था। नरेंद्र मोदी के लिए वोट था, उन 4 उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं था। इस बार वो चाहेंगे कि तेलंगाना में वे बेहतर प्रदर्शन करें, यही कारण है कि नरेंद्र मोदी यहां पर काफी प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद में उन्होंने एक रोड शो किया, जिस तरह का उम्मीदवार उन्होंने असदुद्दीन ओबीसी के खिलाफ हैदराबाद में खड़ा किया है, माधवी लता जो कि लोकल है, महिला है, काफी आर्टिकुलेट है और काफी सोशल वर्क किया है, तो एक तरह से इवन अगेंस्ट असदुद्दीन ओवैसी जो कि एक एमआईएम का गढ़ माना जाता है हैदराबाद, वहां पर भी वे एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है भाजपा। तो तेलंगाना कर्नाटक के बाद भाजपा के लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड रहेगा क्योंकि मेन कारण यह है कि बीआरएस का वोट पूरी तरह से श्रिंक हो गया है और ये बीआरएस का वोट बटेगा कांग्रेस और भाजपा के बीच में और खासतौर से जो अर्बन पॉकेट्स हैं वहां पर भाजपा कोशिश करेगी कि वे बीआरएस का वोट ज्यादा से ज्यादा ले जाए जिससे कि उनकी जो लोकसभा सीट्स की टैली में उसमें इजाफा हो, तो यही कोशिश रहेगी। बीआरएस को आपने 2 सीटें दिखाई हैं लेकिन आज के चलते बीआरएस की स्थिति इतनी खराब है कि उनके कई सारे सांसद चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। चेवेल्ला से उनके जो सांसद थे रंजीत रेड्डी वो छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, वारंगल से उनके सांसद छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, पेद्दापल्ली से कांग्रेस में शामिल हो गए, 2 सांसदों ने छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, तो एक तरह से 5 सांसद जो सिटिंग एमपीस है वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे बीआरएस के सिंबल पे और वो भाजपा या कांग्रेस में शामिल हो गए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल है बीआरएस के कैंप में। सो बीआरएस का वोट शेयर घटेगा और ये डिवाइड हो जाएगा कांग्रेस और भाजपा के बीच। बिल्कुल, देखिए एक 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 कमेंट आप दे दीजिए फिर उसके बाद एक एक वीआईपी सीट पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सुधीर जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है तेलंगाना का इलेक्शन बीजेपी वर्सेस रेवंत रेड्डी कांग्रेस के बीच में हो रहा है और रेवंत रेड्डी ने बहुत ताकत बनाई है इसलिए आपको कांग्रेस का वहां पर इजाफा दिख रहा है
और बीआरएस को पिछली बार विधानसभा में भी शायद सुधीर करेक्ट कर सकते कि नुकसान इसलिए भी हुआ कि वहां पर एक मैसेज गया कि बीआरएस प्लस बीजेपी एक साथ साथ चल रहे हैं, उसका नुकसान वहां पर बीआरएस को उठाना पड़ा और अब बीआरएस बहुत ही खराब हालत में, तो उसका काफी वोट मुझे लगता है 60-40 का रेशियो होगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए और उसकी वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। और तेलंगाना बीजेपी का काडर नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री का वोट वहां पर है जिसको लेकर वो निकाल सकते सीट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन रेवंत रेड्डी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। और देखिए सीटों में रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है, रेवंत रेड्डी को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इसलिए 9 सीटें तेलंगाना में कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, जीत सकती है 9 सीटें, और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बीआरएस का जो वोट बैंक है वो जरूर छिटक रहा है। आइए एक एक करके आपको वीआईपी जो सीटें हैं तेलंगाना की वो दिखा देते हैं। सबसे पहले बात करीमनगर की कर लेते हैं, ये तेलंगाना की हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से बंडी संजय चुनाव लड़ते हैं। बंडी संजय ने तेलंगाना में बीजेपी को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय ने 2019 के चुनाव में टीआरएस कैंडिडेट को 90,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी ने एक बार फिर यहां से बंडी संजय को उम्मीदवार बनाया है और यह सीट फिलहाल बीजेपी जीत सकती है, यानी कि करीमनगर में जो बंडी संजय हैं वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। इसके बाद आइए निजामाबाद की बात कर लेते हैं, ये तेलंगाना की एक और हाई प्रोफाइल सीट है। 2019 में बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने टीआरएस कैंडिडेट और पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को 72,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अरविंद धर्मपुरी की वो जीत तेलंगाना बीजेपी के लिए डिफाइनिंग मोमेंट थी। बीजेपी ने एक बार फिर यहां से अरविंद धर्मपुरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि के कविता दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं। इस सीट का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि ये सीट बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी ये सीट एक बार फिर से निकाल सकती है। एक और वीआईपी सीट सिकंदराबाद की चर्चा कर लेते हैं, बीजेपी का मजबूत गढ़ है, यहां से मोदी सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी चुनाव लड़ते हैं। जी किशन रेड्डी अभी तेलंगाना प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। 2019 के चुनाव में जी किशन रेड्डी ने यहां बीआरएस को 61,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हराया था। सिकंदराबाद की सीट से बीजेपी के बंडारू दत्तात्रेय 4 बार सांसद रहे हैं। बीजेपी ने इस बार फिर से जी किशन रेड्डी पर दाव लगाया है और हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि जी किशन रेड्डी इस सीट को जीत सकते हैं, यानी कि सिकंदराबाद से जीत सकते हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद की, एआईएमआईएम का सबसे मजबूत किला है और यहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। बीते 10 लोकसभा चुनावों से इस सीट पर ओवैसी परिवार की जीत हो रही है। 6 बार सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी सांसद रहे, उसके बाद 4 बार से उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लगभग 3,00,000 वोटों से हराया था। तेलंगाना विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ओल्ड हैदराबाद रीजन में जबरदस्त बढ़त बनाई, लेकिन ओवैसी अपना किला बचाने में कामयाब रहे। इस बार भी ओवैसी बढ़त बनाते दिख रहे हैं, यानी कि हैदराबाद की वो एकमात्र सीट है जो एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है और ओवैसी ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना की बात हो रही है, हैदराबाद की बात हो रही है, हर्षवर्धन जी कितने बड़े फैक्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी, इनकी क्या भूमिका तेलंगाना के चुनाव में रहेगी? देखिए असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से जो मुस्लिम चेहरे के तौर पर हैं, और कमाल की बात यह है कि देश के और किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा नहीं, महाराष्ट्र में एक उनको सांसद विधायक मिल गया, बिहार में वो जीत गया, हालांकि वो सब के सब तेजस्वी की पार्टी में चले गए, लेकिन देश में मुसलमान उनको नेता के तौर पर देखता है और ये छवि उन्होंने बना ली। बार बार वो कहते भी हैं कि भाई सबका नेता उनके समाज से होता है, मुसलमानों का नेता कोई और हो जाता है, तो वो बड़ा तीखा हमला करते हैं। कमाल की बात यह है कि देश के दूसरे हिस्सों में उनको कहा जाता है कि उनके जाने से मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है, लेकिन यहां पर वो भारतीय जनता पार्टी से ही उनका मुकाबला है। माधवी लता बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, लंबे समय से वहां काम कर रही हैं, लेकिन 3,02,82,000 से अधिक मतों का अंतर था, उसको पाटना इतना आसान नहीं है वहां की। जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं जरा ये तस्वीरें दिखा दूं। उस वक्त कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। देखिए साउथ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये साउथ का ही ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं कि पीएम के ताबड़तोड़ दौरे और जिस तरीके से पीएम दक्षिण की बात कर रहे हैं, दक्षिण के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की गई, राम मंदिर के दौरान भी दक्षिण के कल्चर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पूरे देश में सुनाई देती रही और पीएम ने जिस तरीके से दक्षिण के दौरे उस वक्त किए थे वो भी काफी चर्चाओं में रहे। और अब चुनावी रैलियों की अगर आप बात करेंगे, चुनावी कार्यक्रमों की अगर आप बात करेंगे, तो पीएम ताबड़तोड़ दौरे साउथ से कर रहे हैं। ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है कि इस बार साउथ में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पिछली बार 130 में से 129 सीटें माफ कीजिएगा सिर्फ जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो इस बार बीजेपी से स्कोर को बढ़ाना चाहती है, यानी कि डबल करना चाहती है, और इसीलिए एक एक राज्य जो कि दक्षिण के हैं, जो 5 राज्य हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्रेसिवली चुनाव
प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका कितना फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है वो भी आप लगातार टैली में देख रहे हैं। अभी तक हमने कर्नाटक और तेलंगाना की बात की है, तेलंगाना में एक सीट का इजाफा बीजेपी को हो रहा है, जबकि कर्नाटक की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी बहुत ज्यादा नुकसान में कर्नाटक में नजर नहीं आ रही है। 22 सीटें बीजेपी कर्नाटक में जीत सकती है, जेडीएस को प्लस कर दीजिए आप तो ये 24 का आंकड़ा हो जाता है एनडीए का। पिछली बार 25 सीटें बीजेपी ने कर्नाटक में जीती थी। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हर्षवर्धन जी, अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा, यही एक मुख्य वजह है जो साउथ की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम दक्षिण भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग तरीके से देखी जाएगी। मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस को भी यही कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी जब अमेठी के साथ वायनाड गए थे तो उनको उत्तर और दक्षिण का भेद मिटाने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक जो नेशनल पार्टी का रोल होता है, और मैं बार बार कहता हूँ, बड़ा दुखद है ये भारत में कि जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टी रही, जो सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी रही, जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, वो पार्टी विभाजन करा के राजनीति कर रही, वो उत्तर और दक्षिण के डिवाइड को बड़ा करके एक कहें कि राजनीति करने की कोशिश कर रही। उसकी कोशिश यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहें कि ये उत्तर भारत की पार्टी, इसलिए दक्षिण में ना आए। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से, चाहे वो सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, काशी तमिल संगमम हो, सेंगोल की स्थापना हो, के अन्नामलाई जैसे पिछड़ी जाति से आने वाले 36-37 साल के एक जो पूर्व आईपीएस है उस नौजवान को उतार देना हो, राजनीति को देखने का नजरिया बदल दिया। और जो सबसे बड़ी बात, जिसको लोग कहते थे कि नहीं नहीं दिल्ली तो बड़ी दूर दिखती है, और मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि लंबे समय के बाद दक्षिण दिल्ली की तरफ देख रहा है। कितनी सीटें आएंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो लगातार उनकी रैलियां होती है, रोड शो होते हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वहां से कुछ तो रिस्पॉन्स बेहतर मिल रहा है।